कर्मस्यादि वाक्योऽर्थं यज्जीव परमात्मनोः तादात्म्य विषयं ज्ञानं तदिदं मुक्ति साधनम्। जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य का ज्ञान जो कि तत् त्वमसि जैसे वैदिक घोष द्वारा होता है, वही मुक्ति का सीधा साधन है। कब तक यूं ही प्रतीक्षा करती रहोगी? वो आ जाएगा। आप पिता हैं, आप निर्मोही हो सकते हैं, पर मैं तो मां हूं। शाम गोधूलि के समय अपनी गायों की प्रतीक्षा करती हूं, फिर वो तो मेरा बेटा है। सूत्रधार कौन है वे आचार्य, और वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? नटी वे हैं धौम्य ऋषि के शिष्य और ऋषि अरुण के पुत्र आरुणी, जिन्हें लोग आरुणी उद्दालक के नाम से भी जानते हैं, और वे प्रतीक्षा कर रहे हैं वेद विद्या प्राप्त कर लौट रहे अपने पुत्र श्वेत केतु की। अंबे! जीता रहे मेरा लाल। शांति। श्वेत केतु। जी तात। अब आगे और वेद अभ्यास करना है या विवाह? एक बार मैं जनक की सभा को जीत लूं, फिर जैसा आप चाहें। श्वेत केतु को देख आप कुछ असहज हैं। मैंने उसे ज्ञान की साधना के लिए भेजा था, पर कल मुझे लगा कि वो शब्दों और सूचनाओं का बोझ ढोकर आया है। ऐसा क्यों लगा आपको? मैंने उसकी आंखों में दर्प देखा, शिक्षित होने का दर्प। वो सभी को जीतना चाहता है। वो अभी भी अपने अलावा दूसरे को देख रहा है। तात, अम्ब कह रही थी कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। आओ बैठो। जी श्वेत केतु, मुझे नहीं लगता कि तुमने वेदों का मर्म समझा है। क्या तुम उसे जानते हो जिसे जानने से जो सुना न गया वो सुनाई देने लगता है, जिसके बारे में विचार न किया गया वो विचार बन सामने आ जाता है, जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। मेरे महान आचार्यों ने, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, वे निश्चित रूप से यह नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझे इसकी शिक्षा अवश्य देते। आप स्वयं ही मुझे इस बारे में बताएं। और आचार्य आरुणि उद्दालक श्वेतकेतु को घर से बाहर ले गए। श्वेतकेतु, जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तब तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जान लेते हो। जब तुम स्वर्ण को जान लेते हो तब तुम स्वर्ण से बने सभी स्वर्ण आभूषणों को जान लेते हो। क्या है वो मूलभूत वस्तु जिसके जानने से तुम सब जान सकते हो? मैं नहीं जानता तात। वह सर्वोच्च सत्य सत है या अस्तित्व है, इसी अस्तित्व से नाम रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है।
जैसे स्वर्ण ही स्वर्ण आभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सत या अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए तुम सत हो, तत् त्वम् असि श्वेत केतु। ये तत् त्वम् असि वेदांत शास्त्र में महावाक्य कहलाता है। महावाक्य घोषणा करता है कि जिस सर्वोच्च सत्य की खोज में हम हैं, वो सर्वोच्च सत्य हम ही हैं। यहां हम सभी असीम आनंद, हमेशा बने रहने की चाह और संपूर्ण ज्ञान की खोज में हैं। ये हम सभी की स्वाभाविक खोज है। हम सोचते हैं कि ये पा लेने से हम असीमित और तृप्त हो जाएंगे, पर महावाक्य कहता है कि जिसकी तुम खोज कर रहे हो वह तुम ही हो। खोजने वाला और उसकी खोज एक ही है, साधक और साध्य एक ही है। ये वास्तव में चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है। तत् यानी तुम जिसे खोज रहे हो वो ब्रह्म, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। सूत्रधार, क्या इसके अलावा और भी महावाक्य हैं? हाँ नटी, उपनिषदों में अनेक महावाक्य हैं। वे सभी घोषणाएं जो साधक और साध्य, जीव और ब्रह्म के ऐक्य को उद्घोषित करती हैं, महावाक्य कहलाती हैं। पारंपरिक तौर पर चारों वेदों में से एक महावाक्य को प्रतिनिधि वाक्य के रूप में चुना गया है, इसीलिए हमारे पास चार महावाक्य। ऋग्वेद के ऐतरीय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, और अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म लिया गया है। अरे, ये आचार्य उद्दालक और श्वेतकेतु कहां चले गए? प्रारंभ में अस्तित्व या सत् एक ही था, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। इसने अनेक होना चाहा, इससे अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। इन तत्वों के मिलने से ही विविधता भरे संसार का जन्म हुआ। वह मूलभूत सत् तुम ही हो श्वेत केतु, तत् त्वम् असि। नटी, वह अनंत सर्वव्यापी सत्य ही तुम्हारे भीतर की चेतना है। मैं और वो ब्रह्म, तुम और वो ब्रह्म, दो अलग अलग अस्तित्व नहीं बल्कि एक ही है। जब तुम सोने को जान लेते हो तो तुम सोने के सभी आभूषणों को भी जान लेते हो, क्योंकि वे सब सोना ही है। श्वेत केतु की ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा देख ऋषि उद्दालक उन्हें फलों के एक बाग में ले गए। श्वेत केतु, क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देख पा रहे हो? हां तात, भिन्न भिन्न फूलों का रस जब एक हो जाता है तो शहद बन जाता है। पर क्या शहद बनने के बाद कोई रस ये कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या मैं इस फूल का रस हूं? नहीं तात। इसी तरह जब एक व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। जैसे सागर में मिलकर नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही सभी अंत में उसी चेतना में विलीन हो जाते हैं। सभी को जोड़ने वाली वो चेतना ही सत्य है, उसी से तुम बने हो, तत् त्वम् असि। तात, तो फिर इस एक और अविभक्त अस्तित्व से विविधता से भरे संसार ने कैसे जन्म लिया? जाओ, तुम किसी बरगद के पेड़ का एक फल लेकर आओ।
जो आज्ञा तात। तात, यह रहा फल। आओ बैठो। इसे तोड़ो और बताओ इस फल के भीतर क्या है। इसके भीतर सैकड़ों छोटे छोटे बीज हैं। एक बीज को तोड़कर देखो क्या है इसके भीतर। मैं इसके भीतर कुछ नहीं देख सकता तात। इस सूक्ष्म तत्व जिसे तुम देख नहीं सकते, इस तत्व की सूक्ष्मता से ही इस विविधता, शाखाओं, फूलों और फलों के साथ समूचे बरगद का जन्म हुआ। वैसे ही अनुभूति से परे अविभक्त अस्तित्व से ही इस सारी सृष्टि का जन्म हुआ। उसके बाद आरुणि उद्दालक ने श्वेत केतु को पानी में नमक मिलाकर लाने को कहा। नमक जल में विलीन हो गया पर तुम उसे देख नहीं सकते जबकि वो जल में है। अब यदि तुम उस नमक का अनुभव करना चाहते हो तो जल की ऊपरी सतह से चुस्की लेकर देखो और बताओ कैसा स्वाद। नमकीन तात। अब बीज से लेकर देखो। नमकीन। अब बिल्कुल नीचे से जल चख कर देखो कैसा स्वाद। नमकीन ही है। तुम उसे देख नहीं सकते पर वो नमक जल की प्रत्येक बूंद में है। वैसे ही वह चेतना जो दिखाई नहीं देती हर प्राणी में विद्यमान है। वही चेतना तुम हो। तत् त्वम् असि। इस प्रकार जब तक श्वेतकेतु ने इस महान तत्व को समझ न लिया ऋषि उद्दालक ने दैनिक जीवन से विभिन्न उदाहरणों को लेकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत् त्वम् असि महावाक्य के द्वारा आत्मा और परम सत्य के ऐक्य की 9 बार उद्घोषणा की। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद का 6 अध्याय है। नटी वेदांत संप्रदाय में चारों महावाक्यों में से प्रज्ञानम ब्रह्म को लक्षण वाक्य कहा गया है क्योंकि यह सर्वोच्च के लक्षण को चेतना के रूप में बताता है। तत् त्वम् असि उपदेश वाक्य कहलाता है क्योंकि गुरु शिष्य को इसका उपदेश देता है। अयम आत्मा ब्रह्म अनुसंधान वाक्य कहलाता है क्योंकि साधक को हमेशा इसका अनुसंधान करना होता है। और अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव वाक्य कहते हैं जो कि आपके ब्रह्म से एक होने का अनुभव प्रकट करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पिता की मुझे बार बार विदेह जनक के पास भेज रहे हैं जो हमेशा दास दासियों और लोगों से घिरा रहता है वो कैसे मुझे ज्ञान दे सकता है। चलो सुखदेव फिर से एक बार भीड़ भाड़ से भरी मिथिला नगरी में। ओ, ये तो महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना नटी। बहुत भाग्यशाली हो बटू। उठो महाराज जनक ने तुम्हें बुलाया है। भाग्यशाली 6 महीने से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विदेह जनक से मिलने के लिए लोग वर्षों प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा अच्छा चलो भी। ये पोटली और ये भिक्षा पात्र यहीं रख दो। सुरक्षित रहेगा। ये जनक की नगरी है। आओ। महर्षि व्यास कैसे हैं? अच्छे हैं। कहो कैसे आना हुआ?
पिता ने मुझे आपके पास विद्यार्थी के रूप में भेजा है। मिथिलापति, नगर के बाहर सैनिकों की छावनी में भीषण आग लग गई है। सब अपना कर्तव्य करें, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। ये कैसा व्यक्ति है? सैनिक छावनी में आग लगी है और ये? तुमने वेदों का अध्ययन तो कर लिया होगा? जी। क्षमा मिथिलापति, आग नगर तक पहुंच गई है, हमारे लिए क्या आज्ञा है? सब अपना कर्तव्य करें, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। ये राजा जनक है, नगर जल रहा है और ये यहाँ चुपचाप बैठा है। हाँ शोकदेव जी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? मैं राजन, आग महल तक पहुंच चुकी है, हमारे लिए क्या आज्ञा है? सब अपना कर्तव्य करें, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। कहाँ जा रहे हो बटुक? दूसरे कमरे में मेरी पोटली और भिक्षा पात्र है, कहीं वो जल ना जाए इसीलिए मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। उस पोटली से इतना मोह है तो इस शरीर से कितना मोह होगा। बैठो, बैठ जाओ। आग नहीं लगी है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। छोटी छोटी वस्तुओं से इतने जुड़े हो तो विदेह कैसे होगे? मैंने जान लिया कि पिता ने मुझे आपके पास क्यों भेजा है विदेह जनक। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। एक और परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूं। और तेल से भरा एक पात्र देकर जनक ने उस शुकदेव को नगर से बाहर भेजा। शर्त सिर्फ इतनी थी कि अगर पात्र से एक बूंद भी गिरी तो पीछे नंगी तलवार लिए चल रहा सिपाही गर्दन काट देगा। और जनक ने शुकदेव का ध्यान बटाने के कई सारे उपाय कर रखे थे। खिलौने ले लो, गुड़ ले लो, गुड़, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, मीठा मीठा गुड़ ले लो, पापड़ ले लो, चिकनी ले लो। सबसे बचते शुकदेव तेल की बिना एक बूंद गिराए विदेह जनक के पास पहुंचे। तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी विदेह जनक। अब तुम मुझे बताओ कि मार्ग में तुमने क्या क्या देखा। राजन, मेरा सारा ध्यान तो तेल की बूंद पर था, और फिर जिसकी गर्दन पर तलवार लटक रही हो वो यहां वहां कैसे देख सकता था? ठीक वैसे ही जैसे जो जीवन की नश्वरता को जान लेते हैं उन्हें संसार के आकर्षण दिखाई नहीं पड़ते। तुम योग्य विद्यार्थी हो, मैं तुम्हारे साथ अपने अनुभव बांटने के लिए तैयार हूं। विदेह जनक और शुकदेव में उस असीमित अनंत सत्य की चर्चा शुरू हुई। चैतन्य रूप ब्रह्म से ये दिखाई देने वाला जगत चल रहा है, वही चेतना मुझमें भी है, पर वह कौन है और मैं कौन हूं? वह और मैं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं भी वह ही हूं। तुम जिस अनंत सच्चिदानंद को खोज रहे हो वह तो वास्तव में तुम स्वयं हो। ब्रह्म ने इस जगत की रचना की है और मेरी भी, तो फिर मैं वो ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? एक समय केवल ब्रह्म था, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी न था, न चांद न तारे न यह धरती न आकाश, कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म था। उसने स्वयं ही स्वयं से सृष्टि की रचना की, वह स्वयं ही आकाश वायु अग्नि जल और धरती है, वह स्वयं ही तुम हो और मैं भी हूं। जो इस सत्य को नहीं जान पाता वो इस दिखाई देने वाले जगत के भेद को ही सत्यमान उसमें उलझ जाता है, पर जो इस संसार के आवरण में छिपे सत्य को जान लेता है, पहचान लेता है, वो शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेता है। यानी आत्मा के अतिरिक्त किसी और का अस्तित्व है ही नहीं। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। दूसरे शब्दों में ब्रह्म और व्यक्ति के भीतर प्रकाशित मूल तत्व आत्मा एक ही है। आयम आत्मा ब्रह्म।
इसलिए सुखदेव आत्मा पर मन को एकाग्र करो और उसी में स्थित रहो, क्योंकि वह आनंद तुम ही हो। अहम् ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढी भवेत् क्षमादि सहितस्तावत् अभ्यसेत् श्रवणादिकम्। जब तक मैं ब्रह्म हूं का अनुभव दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुरु शिक्षा का श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन, उन विचारों पर प्रतिदिन मनन और ध्यान करते रहना चाहिए। यस्य प्रसादात् भवमंगलार्था प्रसूत गंगोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरु चिन्मयाय भूयात् प्रसन्नस्स शिव स्वरूपः भूयात् प्रसन्नस्स शिव स्वरूपः भूयात् प्रसन्नस्स शिव स्वरूपः।